पर्ल कंपनी ये अज दी नहीं है, ये पिछले 7-8 साल तो पर्ल कंपनी ने लोगों के पैसे दब ले ते खास तौर पर लहरे हल्के दा दड़बे हल्के दा ये लोग तो घरों बेघर करते, कई लोगों ने जमीना बेच के पैसे इन्हें जलाते। सो ये बहुत बड़ा फ्राड होया सी, पर पिछलिया सरकार ने किया कुछ नहीं, गल्लां करदियां रहे। साड़ी सरकार आने ते इस जिहड़ा मालिक सी उन्हों महाराष्ट्र तो लिया फड़ के बैठे जेल दे विच, सो उन्हों लिया वो भी सारा चैक किया जा रहा है कि फराड होने तो बाद कई जमीन उन्होंने अटैच भी हुई हुई थे पर वो सेल भी हो गई, वो किदी मिली भुगत दे नाल हुई ने, किहड़े सियासी लोगों ने ज्ञान सागर वर्गे कालेज आपदे नां करा ले, इहदी सारयां दी जांच की जाऊगी। जिहड़े भी लोग इस दे विच शामिल ने वो सारयां नूं जिस तरह दूजे तुहानूं पता ही आ जिहड़े बैठे आ अंदर, जे लोगों के घपले किए सी वो बैठे ने अंदर, सारियां रिकवरियां कीतियां जाणगियां, सारियां रिकवरियां करके लोगों के पैसे दवाए जाणगे। जो सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया लोगों के नाल वो हर हालत च पूरा किया जाए। पर्ल कंपनी ये अज दी नहीं है, ये पिछले 7-8 साल तो पर्ल कंपनी ने लोगों के पैसे दब ले ते खास तौर पर लहरे हल्के दा दड़बे हल्के दा ये लोग तो घरों बेघर करते, कई लोगों ने जमीना बेच के पैसे इन्हें जलाते। सो ये बहुत बड़ा फ्राड होया सी, पर पिछलिया सरकार ने किया कुछ नहीं, गल्लां करदियां रहे। साड़ी सरकार आने ते इस जिहड़ा मालिक सी उन्हों महाराष्ट्र तो लिया फड़ के वो बैठे जेल दे विच, सो उन्हों लिया वो भी सारा चैक किया जा रहा है कि फराड होने तो बाद कई जमीन उन्होंने अटैच भी हुई हुई थे पर वो सेल भी हो गई, वो किदी मिली भुगत दे नाल हुई ने, किहड़े सियासी लोगों ने ज्ञान सागर वर्गे कालेज आपदे नां करा ले, इहदी सारयां दी जांच की जाऊगी। जिहड़े भी लोग इस दे विच शामिल ने वो सारयां नूं जिस तरह दूजे तुहानूं पता ही आ जिहड़े बैठे आ अंदर, जे लोगों के घपले किए सी वो बैठे ने अंदर, सारियां रिकवरियां कीतियां जाणगियां, सारियां रिकवरियां करके लोगों के पैसे दवाए जाणगे। जो सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया लोगों के नाल वो हर हालत च पूरा किया जाऊगा।